हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 75 तक हम कंप्लीट कर चुके थे फ्रेंड्स, और 76 से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट का ये थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स एस के अरोरा की बुक से है, जो कि TGT PGT के लिए मेरे पास बुक है, उसका प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। क्योंकि कमेंट्स में फिर पूछा जाता है बार बार कि ये कौन सी बुक है, तो ये एस के अरोरा की बुक है जिसमें पीछे प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। उन्हीं के प्रैक्टिस सेट अभी सॉल्व कर रही हूं फ्रेंड्स। तो 5 प्रैक्टिस सेट्स हैं इसमें और कुछ मॉडल पेपर्स भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 इज शेक्सपियर्स क्रिटिक्स विद देयर वर्क्स आर गिवन हियर, विच इज आर करेक्टली मेस्ट। यहां पर कुछ क्रिटिक्स और कुछ वर्क्स दिए गए हैं जो कि शेक्सपियर से रिलेटेड हैं फ्रेंड्स, तो उनको देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है, हमें ये बताना है फ्रेंड्स। इसमें इसके ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, क्रिटिक्स एक तरफ दिए गए हैं और इनके वर्क्स एक तरफ दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट है रॉय वॉकर, जिनका वर्क है द टाइम इज़ फ्री। सीडी नरसिम्हा, जिनका वर्क है शेक्सपियर केम टू इंडिया। लायनल चार्ल्स नाइट, जिनका वर्क है हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। ए डब्ल्यू पोलार्ड, शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स। तो फ्रेंड्स इनके ऑप्शन हैं ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट एंड ऑल आर इनकरेक्ट। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी राइट है, ऑल आर करेक्ट। ये जो क्रिटिक्स हैं शेक्सपियर के ऊपर इन्होंने जो वर्क लिखे हैं वो सभी सही हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 इज दो आर्ट ए मोन्यूमेंट विदाउट टॉम्ब एंड आर्ट अलाइव स्टिल व्हाइल द बुक डॉट लिव एंड वी हैव विट्स टू रीड एंड प्रेस टू गिव। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम टू द मेमोरी ऑफ माय बिलव्ड मिस्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैथ लेफ्ट अस। दिस पोयम इज़ फ्रॉम द पेन ऑफ। ये जो ऊपर लाइन्स दी गई हैं, इन लाइन्स को लिया गया है टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मिस्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैथ लेफ्ट अस। तो ये जो पोयम है ये किसके द्वारा इनमें से लिखी गई है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है यहाँ पर। और इनके ऑप्शंस हैं वर्ड्सवर्थ, बेन जॉनसन, मिल्टन एंड टेनिशन। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो पोयम है ये बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हियर आर मेंशन द नेम्स ऑफ शेक्सपियर विद देयर कोट्स फ्रॉम द शेक्सपियर्स हैमलेट, फाइंड द इनकरेक्ट वन। यहाँ पर हैमलेट की कोटेशंस दी गई हैं फ्रेंड्स, हमें ये चेक करना है इनमें कौन सी गलत है। फ्रेल्टी द नेम इज वुमेन, हैमलेट एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। नाइदर ए बोरोअर नॉर ए लैंडर बी, होरेशियो एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। टू बी और नॉट टू बी इज द क्वेश्चन, हैमलेट एक्ट 3 सीन 1। द रेडीनेस इज ऑल, हैमलेट एक्ट 5 सीन सेकंड। द रेस्ट इज साइलेंस, हैमलेट एक्ट 5 सीन सेकंड। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है। ओनली वन इज इनकरेक्ट, ओनली टू इज इनकरेक्ट, ओनली फाइव इज इनकरेक्ट एंड 2, 3 and 4 इज आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पर सेकंड गलत है। ये जो कोटेशन है फ्रेंड्स ये कोटेशन पोलोनियस की है, नाइदर ए बोरोअर नॉर ए लैंडर बी, तो यहाँ पर आ जाएगा पोलोनियस। ये होरेशियो की नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज लव इन आइडलनेस इन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में लव इन आइडलनेस क्या है? ए रोमांटिक नॉवल, ए नेम गिवन टू एन ओपेरा, ए नेम गिवन टू ए फ्लोवर, सॉरी ए नेम गिवन टू ए मैजिकल रिंग। तो इन्होंने कहा है कि लव इन आइडलनेस किसका नाम दिया गया है यहाँ पर, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में किसको इसका नाम दिया गया है? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ए नेम गिवन टू ए फ्लोवर, एक फूल को यहाँ पर नाम दिया गया है लव इन आइडलनेस। नेक्स्ट है लेट अस बी सेक्रीफायर्स बट नॉट बुचर्स, कायस हु इज द स्पीकर। यहाँ पर स्पीकर कौन है फ्रेंड्स, ये लाइन कहाँ से ली गई है और इनका इसका स्पीकर कौन है यहाँ पर ये पूछा गया है। तो कैसियस है, ब्रूटस है, एंटनी है या लैपिडस है? ये लाइन्स फ्रेंड जूलियस सीजर से ली गई है और ये लाइन्स बोली नहीं है ब्रूटस ने फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हियर आर गिवन सम कोट्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ पोएम्स, फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। कुछ कोटेशंस दी गई हैं जो वर्ड्सवर्थ की पोएम्स से हैं, हमें यहाँ पर इनकरेक्ट ढूंढनी है। व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, लाइन्स रिटन इन स्प्रिंग 1798। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, माई हर्ट लीप्स अप 1802। शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट, स्कॉन नॉट द सोनेट, गेटिंग एंड स्पेंडिंग द टेबल टर्नड। तो यहाँ पर कौन सा गलत है फ्रेंड्स, ओनली वन, ओनली फोर, टू एंड थ्री ऑल आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्रेंड्स ओनली फोर, गेटिंग एंड स्पेंडिंग द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से है फ्रेंड्स, द टेबल टर्न से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 These are some quotes from the poets about a poet. Who is the poet? One of the chief glories of English poetry, Arnold ने बोला था, a lost leader, Browning ने बोला था, a moral inner, Sally ने बोला था, egoistical sublime, Keats ने बोला था। तो ये जो ऊपर की lines है criticism है, ये किसके बारे में बोला गया था? William Shakespeare, William Wordsworth, John Milton, none of these। तो ये well known है friends, ये जो quotations हैं, ये जो lines हैं, ये William Wordsworth के बारे में बोली गई थी, तो यहाँ पर option B right हो जाएगा। These are the views of a poet about poetic diction and theory of poetry।
हु इज़ द पोएट, ये कुछ व्यू दिया गया है जो कि पोएटिक डिक्शन के बारे में है। तो यहाँ पर पोएट पूछा गया है कि पोएट कौन है यहाँ पर। देयर नाइदर इज नोर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज और प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। पोएटिक डिक्शन के बारे में ये लाइन बोली गई है फ्रेंड्स। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और नथिंग। वर्ड्सवर्थ अबाउट हिमसेल्फ, ये वर्ड्सवर्थ ने बोली है अपने बारे में। ए पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन अबाउट पोएट, ये पोएट के बारे में बोली गई है फ्रेंड्स। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये पोएट्री के बारे में फ्रेंड्स बोली है। तो यहाँ पर पोएट पूछा गया है और यहाँ पर इन्होंने खुद ही दे दिया है वर्ड्सवर्थ अबाउट हिमसेल्फ। तो यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि ये किसके बारे में है। तो यहाँ पर ये है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। ऑप्शंस और भी हैं बट यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 83, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 84, दिस पोएम इज वर्ड्सवर्थ लिरिक पब्लिश्ड इन 1807। इट सीम्स टू बी मोर ए विजन दैट ए पीस ऑफ इमेजिनेशन। ये पोएम एक लिरिक है, 1807 में पब्लिश हुई थी और ये एक विजन है, मतलब इससे पता चलता है कि एक इमेजिनेशन है। वर्ड्सवर्थ गेट्स द आइडिया ऑफ कंपोजिंग दिस पोएम व्हेन ही पास थ्रू ए फील्ड वेयर ही सीज ए हाईलैंड हिल गर्ल। ये वर्ड्सवर्थ ने पोएम तब लिखी है जब वो एक हाईलैंड हिल पर, एक पहाड़ी पर एक लड़की को देखते हैं। द गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग वाइल रीपिंग, वो जो लड़की है वो फील्ड में खेतों में कुछ काम कर रही है, कटाई का काम कर रही है और साथ में सॉन्ग भी गा रही है। सीम्स शी सीम्स टू बी सिंगिंग इन गैलिक, वो एक अपनी ही एक अलग भाषा में गाना गा रही है। इट हैज़ 32 लाइन्स विद 4 स्टैंजाज, इसमें 32 लाइन्स हैं जिसमें कि 4 स्टैंजाज हैं, कंसिस्टिंग 8 लाइन ईच, 8 लाइन स्टैंजा है। द पोएम रेफर्ड हियर, ये किस पोएम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स। तो पोएम का जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये सॉलिटरी रीपर के बारे में यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ पॉपुलर सोनेट्स, इट इज़ ए क्रिटिसिज्म ऑफ मेटेरियलिस्टिक आउटलुक ऑफ द पीपल। ये एक वर्ड्सवर्थ का पॉपुलर सोनेट है और लोगों का जो मेटेरियलिस्टिक आउटलुक है उसके बारे में क्रिटिसाइज इन्होंने किया है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग हैव बिकम द चीफ कंसर्न ऑफ लाइफ, गेटिंग एंड स्पेंडिंग जो एक चीफ कंसर्न बन चुका है लाइफ का। द पोएट लाइक्स टू बी ए पैगन सो दैट ही मे रिमेन इन टच विद नेचर। दिस सोनेट हैज़ ए राइमिंग स्कीम ऑफ ABBA ABBA CDE CDE। द पोएट हैज़ मैंशन द टू सी गोर्स प्रोटियस एंड ट्रीटोन, द सोनेट रेफर्ड हियर एज। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पता चलता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है ये द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस के बारे में दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नो पोएम ऑफ माइंड वॉज कम्पोज अंडर, सॉरी, सर्कमस्टांसिस मोर प्लीजेंट फॉर मी देन दिस। वर्ड्सवर्थ सेज दिस अबाउट वन ऑफ हिज पोएम्स, नेम द पोएम। ये वर्ड्सवर्थ किस पोएम के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 में ऑप्शन बी इज़ राइट, टिंटर्न एबे। ये टिंटर्न एबे के बारे में लिखते हैं और जो विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्ट फेवरेट पोएम थी वो टिंटर्न एबे ही थी फ्रेंड्स। वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन, वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है वो कब हुआ था ये इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स। अप्रैल 7, 1770, अप्रैल 7, 1780, अप्रैल 7, 1790, नन ऑफ दीज। यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ राइट, अप्रैल 7, 1770। तो यहाँ से ही याद कर लेंगे 7, 1770, ये याद हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ डाइड ऑफ ल्यूजरी एंड वाज बरीड एट ग्रेसमियर चर्चयार्ड, ही डाइड ऑन। यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ है उनकी डेथ डेट पूछी गई है फ्रेंड्स, April 23, 1840, April 23, 1850, April 23, 1860 एंड नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज़ राइट, April 23, 1850। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय, वर्ड्सवर्थ के जो भाई थे उनकी डेथ कैसे हुई थी फ्रेंड्स, ट्यूबरक्लोसिस, हार्ट अटैक, शिपरैक एंड नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज़ राइट, उनके जो भाई की डेथ हुई थी वो शिपरैक में हुई थी फ्रेंड्स। लैवडेमिया इज़ ए ड्रामा, ए नोवल, ए नैरेटिव पोएम, नन ऑफ दीज। लैवडेमिया इज़ ए नैरेटिव पोएम। नेक्स्ट है, माइकल इज़ ए पेस्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ ए शेफर्ड माइकल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज सन। ये जो एक पोएम है पेस्टोरल पोएम है और माइकल के बारे में है जो कि एक शेफर्ड हैं और उनकी दयनीय स्थिति इसमें दिखाई जाती है फ्रेंड्स। और उनके बेटे का नाम क्या था ये पूछा गया है, ड्यूकेप, माइकल जूनियर, ल्यूक, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज़ राइट, ल्यूक उनके बेटे का नाम था फ्रेंड्स। वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम, तो वर्ड्सवर्थ ने बर्न्स और चैटरटन के बारे में किस पोएम में बोला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 92, ऑप्शंस आर रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, माइकल, टू मिल्टन एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ राइट, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 93, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मोर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर्स। ये लाइन कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स, पील कैसल, टू मिल्टन, डेफोडिल्स एंड नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 93 में ऑप्शन ए इज़ राइट, पील कैसल। द पोएम एलिजिक स्टैंजास वॉज सजेस्टेड बाई ए पिक्चर ऑफ पील कैसल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाई, इसको कम्प्लीट करना है, पील कैसल का ये फुल टाइटल है फ्रेंड्स और इस फुल टाइटल को कम्प्लीट करने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 94 में ऑप्शन ए इज़ राइट,
सर जॉर्ज ब्यूमन। नेक्स्ट है 95, द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सेलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविध सेंसेशन हुज ओपिनियन इज दिस। पोएट्री के बारे में लैंग्वेज, पोएट्री की लैंग्वेज के बारे में ये किसकी ओपिनियन है फ्रेंड्स? कॉलरिज, लैम्प, वर्ड्सवर्थ एंड नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 95, दी ऑप्शन इज राइट, वर्ड्सवर्थ ओपिनियन इज दिस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कॉम्प्रीहेंशन, और कॉम्प्रीहेंशन एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा पोज कर रही हूँ, आप इसको आराम से पढ़ लेंगे और मैं इसके केवल ऑप्शंस बता दूंगी कि कौन से ऑप्शंस सही हैं, आप बाद में उसको चेक कर लेंगे। आप पोज करके इसको आराम से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस कीजिएगा। बाकी का बचा हुआ यहाँ पर है फ्रेंड्स, और ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ये शिवखेरा के द्वारा दिया गया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन 96 में यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट, इन 97 ऑप्शन बी इज राइट, इन 98 ऑप्शन सी इज राइट, इन 99 ऑप्शन ए इज राइट एंड इन 100 ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है ना फ्रेंड्स, 100 तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन देयर इज अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, अगेन इट इज़ फ्रॉम शिवखेरा, ये शिवखेरा से ही है ये भी। इसके क्वेश्चन आप देख लेंगे, सॉरी पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे पहले, क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 ऑप्शन इज सी, 102 ऑप्शन इज ए, 103 ऑप्शन इज बी, 104 ऑप्शन इज बी, 105 ऑप्शन इज ए फ्रेंड्स। तो ये कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप से कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 इज कंसीडर द फॉलोइंग क्वोट्स, फाइंड द इनकरेक्ट वन। कोटेशंस यहाँ पर दी गई हैं और इनकरेक्ट हमें यहाँ पर ढूंढना है फ्रेंड्स। द फॉरबिडन ट्री, पैराडाइज लॉस्ट, व्हाट इन मी इज डार्क, इल्यूमिन, पैराडाइज लॉस्ट, जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन, पैराडाइज लॉस्ट, व्हाट दो द फील बी लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सी है पूछा गया है, ओनली वन इज इनकरेक्ट, ओनली फोर, ओनली सॉरी वन एंड थ्री, टू एंड फोर। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ओनली फोर इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो लाइन है ये भी पैराडाइज लॉस्ट से ही ली गई है फ्रेंड्स। व्हाट दो द फील्ड इज लॉस्ट, एवरीथिंग नॉट बी लॉस्ट, आई थिंक कुछ ऐसा ही है। तो ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिल्टन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट यहाँ पर ढूंढना है, बस हमें ये करेक्ट और इनकरेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। हिज पोएट्री एक्ट्स लाइक एन इनकैंटेशन, ये मैकॉले ने बोला था। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, जॉनसन ने बोला था। मिल्टन वाज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स, जॉन कैन बेले ने बोला था। मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये ब्लैक ने बोला था। ओनली वन इज करेक्ट, टू एंड थ्री आर करेक्ट, थ्री एंड फोर आर करेक्ट, वन टू थ्री एंड फोर आर करेक्ट। तो यहाँ पर कितने सही हैं, सारे सही हैं या फिर कोई गलत भी है? तो फ्रेंड्स ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, कॉमस इज मिल्टन्स मास्क और मास्क, इट सबटाइटल इज द ट्रियम्फ ऑफ वर्च्यू, इट इज ए मास्क इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी, इट इज फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन माइकल मास 1634 बिफोर जॉन एगर्टन फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रेजवाटर एट टूडलो कैसल इन सेलिब्रेशन ऑफ द अर्ल्स न्यू पोस्ट ऑफ लॉर्ड प्रेजिडेंट ऑफ वेल्स। ये कॉमर्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है फ्रेंड्स। द पोएम इज अ विक्ट्री ऑफ वर्च्यू अपॉन वाइसिस, इट इज ए स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर हु रिक्वेस्ट मिल्टन टू राइट हिज दिस मास्क। ये मास्क को लिखने के लिए मिल्टन को किसने रिक्वेस्ट की थी फ्रेंड्स? हेनरी लोव्स, एल्बर्ट, एडवर्ड किंग एंड बेले। तो यहाँ पर 108 के लिए ऑप्शन ए इज राइट, हेनरी लोव्स ने रिक्वेस्ट की थी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 109, आई थॉट इट बेस्ड टू be travelling for amusement abroad while my fellow citizens were fighting for liberty at home, whose statement is this? ये statement किसका है friends? यहाँ पर पूछा गया है question number 109 and options are Milton, Wordsworth, Galsworthy and Shakespeare. 109 का option है A, Milton, ये Milton का statement है friends. Dryden's the state of innocence is the dramatization of, ड्राइडन का द स्टेट ऑफ इनोसेंस किसके ऊपर ड्रामेटाइज किया गया है फ्रेंड्स? पैराडाइज रीगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्टिस एंड नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज राइट, पैराडाइज लॉस्ट, ये द स्टेट ऑफ इनोसेंस इज ड्रामेटाइज ऑन पैराडाइज लॉस्ट।
ही इज़ फेमस एज लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज. ही इज़ द मैन ऑफ मिडिल नेचर विद ऑबर्न हेयर एंड ओवल फेस विद ग्रे आइज एंड अ फेयर कॉम्प्लेक्शन. नेम द पोएट ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लू. ये क्लू जो ऊपर दिए गए हैं, इन क्लू के अकॉर्डिंग किस के लिए ये लाइन सही रहती हैं फ्रेंड्स. शेक्सपियर, कीट्स, बायरन एंड मिल्टन. सभी जानते हैं फ्रेंड्स लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज किसको बोला जाता था? मिल्टन को बोला जाता था. ट्रो. सो 111 का जो आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, मिल्टन. द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी. हुज लाइन इज दिस? द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड अपॉन मी ये लाइन किसकी है? मिल्टन, शेले, वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दीज. सो दीज लाइन्स ऑफ मिल्टन. द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन. जो ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी था वो कब लिखा गया था, मतलब स्टार्ट कब किया गया था? क्रिसमस डे 1628, क्रिसमस डे 1629, ईस्टर डे 1640, नन ऑफ दीज. फ्रेंड्स ये लिखा गया था क्रिसमस डे 1629 व्हेन मिल्टन वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड. इन हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट्राकॉर्डन मिल्टन रिप्यूडिएट्स. जो डॉक्ट्राइन और डिसिप्लिन था इनका वर्क, उसमें इन्होंने किस बारे में लिखा है फ्रेंड्स? मैरिज, लव, रोमांस एंड सेक्स. 114 का ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स मैरिज. इन्होंने मैरिज के ऊपर लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पर. हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स ऑल अस ऑल आउट एंड द एंशियंट्स टू. ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, अर्नोल्ड, नन ऑफ दिस. फ्रेंड्स ये लाइन जो थी ड्राइडन ने कही थी इनके बारे में. द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो इज. एल एलेग्रो का मीनिंग क्या है? ये एक इटालियन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स द जॉयस और हैप्पी मैन. ऑप्शंस और भी हैं लेकिन ये गलत है. ऑप्शन ए इज राइट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117. विच पोएम ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर. कौन सी पोएम में एलिजाबेथन लुक इसमें दिखाई देता है फ्रेंड्स? पोएम रिटन आफ्टर ब्लाइंडनेस, पोएम्स रिटन ड्यूरिंग वार, होर्सन पोएम्स एंड नन ऑफ दीज. सो 117 का ऑप्शन है होर्सन पोएम्स. जो होर्टन पीरियड में इन्होंने लिखी थी वो सब एलिजाबेथन टाइप की थी. नेक्स्ट है इट इज़ ए गास्वर्थीज प्ले. इट इज़ बेस्ड ऑन द रेशियल प्रिजुडिस एंड क्रिश्चियंस अगेंस्ट द ज्यूज. इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एंटी सेमिटिज्म इन एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटीज. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ. ये जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है ये गास्वर्थी के किस प्ले के बारे में दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है लॉयल्टीज के बारे में जो कि 1922 में पब्लिश किया गया था फ्रेंड्स. कंसिडर द फॉलोइंग कोट्स फ्रॉम गास्वर्थी वर्क्स. फाइंड आउट द करेक्ट वन. सोसाइटीज बुल्ट ऑन मैरिज. Society is built on marriage, marriage and its consequences. The Forsyte saga. We have to love because we love loving. A bit of love. The world is not ruled by power and fear. Which power produced is ruled by love? Fraternity. तो 119 का ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं. फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट फ्रेंड्स. तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट, ऑल आर करेक्ट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फाइंड आउट द करेक्ट वन. यहाँ पर भी हमें स्टेटमेंट को ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट है. दैट्स कैपिटल ए वाइट फेस्ड स्टोनी हर्टेड मॉन्स्टर. रॉबर्ट इन स्ट्राइफ. ए वुमेन डेड एंड द टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन. हार्नेस इन स्ट्राइफ. वाट सीम्स जस्ट टू वन मैन सर is injustice to another. Edgar in strife. No one will touch him now. Never again. He is safe with gentle Jesus. Boxen about Falder in justice. तो यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है फ्रेंड्स. 120 के लिए करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा? 1 and 2 आर करेक्ट, 3 and 4 आर करेक्ट, ऑल आर रॉन्ग एंड ऑल आर करेक्ट. तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट, ऑल आर करेक्ट. विच प्ले ऑफ गास्वर्थी डील्स विद द इनएडिक्विटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स एन एस्केप्ड प्रिजनर. द शो, जॉसिलेन, एस्केप एंड नन ऑफ दीज. 121 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, एस्केप. आई रीड इन वेरियस चैम्बर, प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थोरोली. ये लाइन किसकी है फ्रेंड्स? शाह, हार्डी, गास्वर्थी, नन ऑफ दीज. 122 के लिए ऑप्शन बी इज राइट, गास्वर्थी. द ओनली वन ऑफ मिल्टन कंटेम्प्रेरीज टू बी मैंशनड बाई नेम इन पैराडाइज लोस्ट इज. मिल्टन के जो कंटेम्प्रेरी है उनमें से किसका नाम पैराडाइज लोस्ट में लिया गया है फ्रेंड्स? शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, गैलीलियो, नन ऑफ दीज. 1, 2, 3 में ऑप्शन सी इज राइट, गैलीलियो. हेयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोजेट ड्रामा. फाइंड द ऑड वन. मिल्टन, सैमसन, एगोनिस्टिस, थॉमस हार्डी, द डिनास, शेले, प्रोमेथियस, अनबाउंड. यहाँ पर हमें क्लोजेट ड्रामा ढूंढना है कौन सा है. ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री एंड नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन बी इज राइट, ओनली टू. थॉमस हार्डी इज द डिनास. ये क्लोजेट ड्रामा है फ्रेंड्स यहाँ पर. फाइंड द ऑड वन. ऑड वन ढूंढना है सॉरी इसमें. ये तो क्लोजेट ड्रामा ही है और ये भी क्लोजेट ड्रामा है, ये नहीं है. तो ये ऑड हैंड में ये अलग है. ओनली टू इज राइट. मोलोक, क्लेमोस, बेलियल एंड थैमुज आर द कैरेक्टर्स हु अपीयर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज रीगेंट. मिल्टन्स, सैमसन एगोनिस्ट, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन सी इज राइट, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट फ्रेंड्स.
तो ये थे 125 क्वेश्चंस फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो कि कंप्लीट मैंने शेयर किया है फ्रेंड्स, और ओनली ऑप्शंस मैंने बताए हैं, कुछ कुछ को एक्सप्लेन किया है क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने बैठते हैं फ्रेंड्स बहुत ही लेंदी वीडियो बन जाती है, और एक्सप्लेनेशन मैं सॉल्व पेपर्स में देती ही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर केवल प्रैक्टिस सेट शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप लोग अपने क्वेश्चंस चेक कर सके, देख सके कि किसका आंसर क्या है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।